Hello guys, good morning. This is Jivesh and welcome to online class of Standard 1. Hope you are doing good and staying in home. I am going to take social study class today. So please open your social study book. So हम लोग यूनिट 1 पढ़े थे और फैमिली और इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराए थे. ये फिल करना था बॉक्स वो भी कर लिए थे. इसमें हम लोग क्या जाने थे, आपके फैमिली के बारे में जाने थे, फैमिली टाइप्स के बारे में जाने थे कि स्मॉल फैमिली होता है, बिग फैमिली होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है. ठीक है, इसमें कुछ एक्सरसाइज था 1, 2, 3, 4, 5 तो सारे हो गया है. इसमें क्वेश्चन आंसर भी हो गया है. ओके, तो वर्ड मीनिंग दिए थे. आई एम होपिंग एवरीवन हैज रिमेंबर द वर्ड मीनिंग. अगर रिमेंबर नहीं किए हैं तो अभी भी रिमेंबर कीजिए. ठीक है, इसी में से आपको HWD में आएगा. ठीक है, तो आप हर को मीनिंग के साथ रिमेंबर करना है. जैसे फैमिली है तो FAMILY, फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, तो प्रॉपर रिमेंबर करना है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो गया है कंप्लीट और मैं कुछ क्वेश्चन दिया था. ठीक है, तो आई हैव रिसीव्ड द होमवर्क फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवन. ओके, सो दोज हु आर नॉट डूइंग प्लीज डू इट नाउ. ठीक है, आपको ये फिर से आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. सो प्लीज मैं जैसे जैसे होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो दे रहा हूँ, आप उस तरह से पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, और ये सारा कंप्लीट हो गया था. आप सारे लोग मुझे होमवर्क भेज चुके हैं. ओके, सो यूनिट 2, सो प्लीज ओपन यूनिट 2. ओके, एंड ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स. तो हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़े थे क्या, आर फैमिली. हम लोग अपने फैमिली के बारे में जाने थे, हमारे फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं. ठीक है, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आपके अंकल आंट्स रहते हैं. ठीक है, आपके कजन्स रहते हैं आपके साथ. तो जो ये आपके फैमिलीज हो गए. ठीक है, तो इसमें आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या ड्यूटीज होता है. आपका ड्यूटीज था कि आपको अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना था. ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स का बातों को ओबे करना था. ठीक है, तो जो वो बोलते हैं आपको मानना चाहिए, क्योंकि दे आर आपके भलाई के बारे में वो बात बोलते हैं. ठीक है, तो उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए. ठीक है, और इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए. तो इसमें हम लोग कुछ जानेंगे आपका आपका ड्यूटीज और आपके पेरेंट्स का ड्यूटी. तो मेन आपके पेरेंट्स का क्या क्या ड्यूटीज होता है. ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो ये दोनों स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, तो पेरेंट्स का बहुत सारा ड्यूटी होता है. ठीक है, तो क्या क्या ड्यूटीज है वो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे. सो ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स. ओके, सो आई एम होपिंग एवरीवन हैज ओपन देयर बुक. तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे कि क्या है. ठीक है, वर्ड मीनिंग मैंने दिया था इस यूनिट का. सो आई एम होपिंग एवरीवन हैज रिमेंबर दैट वर्ड मीनिंग. आप लोग रिमेंबर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें है. ठीक है, वर्ड मीनिंग हमेशा रिमेंबर होना चाहिए. अगर आप नहीं रिमेंबर किए हैं तो स्टिल यू हैव टाइम, रिमेंबर द वर्ड मीनिंग. ओके, तो चलिए हम लोग रीड करते हैं, आप लोग भी साथ में रीड कीजिए. मदर एंड फादर. मदर एंड फादर आर द मेन पार्ट ऑफ द फैमिली. आपके फैमिली का बताए थे ना परिवार, आपके फैमिली के जो मेन पार्ट है, जो आपका फैमिली है उसका मेन पार्ट क्या है. मेन लोग क्यों, कौन है आपके फैमिली के, आपके मदर एंड फादर, आपके माँ एंड पापा. आपके माँ और पापा क्या है, मेन मेन मेंबर ऑफ द फैमिली. आपके मेन मेंबर है फैमिली के, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द फैमिली. ठीक है, फैमिली के मेन पार्ट है. They love their children. वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. And work hard to provide facilities to their children. और बहुत हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं बहुत ज्यादा, जिससे अपने चिल्ड्रेन को हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके. ठीक है, सुशील loves his parents. सुशील जो है एक बच्चा है, वो क्या है, अपने पेरेंट्स को प्यार करता है. सो सुशील लव्स हिज पेरेंट, अपने पेरेंट्स को प्यार करता है. कौन, सुशील.
ही कंप्लीट ऑल देयर वर्क, ओके, वो अपना सारा काम खुद करता है. सुशील इज अ गुड बॉय, सुशील क्या है, एक अच्छा लड़का है. ठीक है, तो फिर से इसको पढ़ेंगे. मदर एंड फादर आर द मेन पार्ट ऑफ द फैमिली. मेन पार्ट ऑफ फैमिली कौन है? मदर एंड फादर. दे लव देयर चिल्ड्रेन, वे लोग अपने चिल्ड्रेन को बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, एंड वर्क हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, और बहुत हार्ड वर्क करते हैं कि अपने बच्चों का, टू देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों का जो भी फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड कर सके. ठीक है, उन लोग हार्ड वर्क इसलिए करते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, उनका उसका फीस पे करना होता है, आप लोग गेम खेलते हैं, गेम प्रोवाइड करने के लिए भी क्या है, आपके पेरेंट्स उसे खरीदते हैं. ठीक है, तो किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ता है. तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. हार्ड वर्क करते हैं किस लिए? आपके लिए, आपके जो भी फैसिलिटीज है, आपके क्लॉथ्स हैं, आपके बुक्स हैं, आपके शूज हैं, आपके स्कूल फीस है, आपके ट्यूशन फीस है, वो सब पे करना होता है. आपका ट्रेवल कहीं आना जाना है, या मेडिकल आपको कोई दवा चाहिए, तो वो सारे चीज आपके पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है. सो यहाँ पर क्या है, दे लव देयर चिल्ड्रेन, वो लोग प्यार करते हैं अपने बच्चों से. एंड वर्क हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो हार्ड वर्क करते हैं. सुशील, सुशील क्या है, लव हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को प्यार करता है. ही लव्स, ओके, यू ऑल्सो लव्स योर पेरेंट्स, राइट? So he also loves his parents. He complete all their work. वो अपना काम सारा complete करता है. ठीक है, और सुशील क्या है, is a good boy, क्योंकि वो अपना सारा काम करता है, अपने मम्मी पापा को disturb नहीं करता है कि हाँ कोई काम किया आधा करके आधा छोड़ दिए तो आपके parents को करना पड़ रहा है, homework भी है सारा खुद से कर रहा है. तो वो इसलिए वो क्या है, good boy है, वो तोड़ फोड़ ज्यादा नहीं करता है. ठीक है, तो he is a good boy. Good boy क्यों है, क्योंकि he completes all their work, वो अपना सारा काम कंप्लीट करता है. ठीक है, दिस इज सुशील मदर. आप लोग फोटो देख रहे होंगे राइट साइड में, इसमें क्या लिखा है, सुशील मदर, सुशील की माँ. ठीक है, दिस इज सुशील मदर, सुशील मदर जो है, ये फोटो में दिख रहा है वो सुशील की, सुशील की माँ है. सो दिस इज सुशील्स मदर, सी इज कुकिंग, क्या कर रही है, फूड प्रिपेयर कर रही है, फूड कुक कर रही है ना. सी इज कुकिंग फूड फॉर सुशील, सुशील के लिए सी इज कुकिंग फूड, खाना किसके लिए बना रही है, सुशील के लिए. सी मेक्स रेडी सुशील्स फॉर स्कूल, वो क्या करती है, अपने बच्चों को तैयार करती है किसके लिए, स्कूल के लिए. She cleans all the home and wash the dirty clothes. और क्या करती है, she cleans all the home, घर को साफ करती है, and dirty clothes को भी wash करती है, धोती है. So this is Sushil mother. So Sushil mother आप लोग देख रहे हैं ना, सुशील की माँ या आपकी माँ भी क्या करती है, food cook करती है. ठीक है, और आपको स्कूल आने के लिए रेडी करती है, आपको आपका सारे क्लॉथ को क्लीन करती है, घर को क्लीन करती है. शी इज आल्सो वर्किंग हार्ड, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करती है. तो फिर से आप लोग इस लाइन को पढ़ेंगे, दिस इज सुशील्स मदर, शी इज कुकिंग फूड फॉर सुशील, शी मेक्स रेडी सुशील फॉर स्कूल, क्या वो स्कूल, सुशील को स्कूल जाने के लिए वो रेडी करती है. She cleans all the house, पूरे घर का सफाई करती है. And wash the dirty clothes, और जो dirty clothes है, गंदा कपड़े है, उसको wash करती है, धोती है. ठीक है, तो ये first paragraph था, एक video आप लोग को दिखाते हैं. ठीक है, so obey your parents, आप अपने पेरेंट्स को ओबे करना है. ठीक है, आपका जो पेरेंट्स जो आपको बोलते हैं उसके बातों को सुनना है, उनका आदर करना है और कहना मानना है. ठीक है, तो ये वीडियो देखिए.
कार्लो क्या था, पहले अपना जो उनके पेरेंट्स जो बोल रहे थे वो उनको उनके बात को नहीं माना, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, उसको फिर से काम करना पड़ा था, ठीक है। तो आप अगर पेरेंट्स आपको जो बोलते हैं, अगर काम को आप कर लेते हैं तो आपको वो फिर से दोबारा नहीं करना पड़ेगा, या आपको आपके पेरेंट्स को नहीं करना पड़ेगा, तो ओबे योर पेरेंट्स, इसलिए है कि आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, आपके पेरेंट्स की बातों को मानना है, ठीक है। तो कार्लो तो आप देखें, ही वॉज प्लेइंग एंड डायरेक्टली वो बिना शूज ओपन किए घर के अंदर चला गया, तो उसको क्या हुआ, करना पड़ा उसको साथ में घर को साफ करना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ ऑलरेडी घर को क्लीन कर चुकी थी, वो ही वॉज टायर्ड, वो थक चुकी थी, अब फिर से उसको करना पड़ता, इसलिए उसके डैड क्या बोले कि चलो साथ में क्लीन कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे उसको रिमेम्बर रहा कि हाँ हमें सारा काम को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कर लिया, तो उससे क्या हुआ, सारा कुछ ठीक रहा है। अगर वहां पर वो गेम खेला, गेम खेल के अगर सारे सामान को अपने टॉयज को करेक्ट लोकेशन पर नहीं रखता तो क्या होता, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो सकता था। तो वो आप सारे वो अपना टॉयज जो खेले उसको एक जगह पर रख लिए, आपको डॉल है जो उसको एक जो जगह पर है, जिस जगह पर रखने का है, जो चीज जहाँ का है वो उसको वहां रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप चैप्टर में ही देखे थे कि सुशील क्या है, ही कंप्लीट ऑल देयर वर्क, ठीक है, खुद से अपना सारा काम करता है और जो चीज जहाँ पर है वहां पर रखता है, तो जिससे प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को यूनिट को रीड करना है, ठीक है, और वर्ड मीनिंग दिए थे उसको भी रिमेम्बर करना है, तो हम लोग वर्ड मीनिंग जाएंगे, ये आपका वर्ड मीनिंग था, मैंने होमवर्क में दिया था, उसको फिर से आप लोग ये कर लीजिए, रिमेम्बर करना है एंड रीड यूनिट, रिमेम्बर वर्ड मीनिंग एंड रीड यूनिट टू, ओके, राइट डाउन इन द डायरी। सो फॉर टुडे दिस इज एनफ, आई एम साइनिंग ऑफ, सो होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज कंप्लीट द होमवर्क एंड शेयर ओवर द व्हाट्सएप, वर्ड मीनिंग रिमेम्बर करके आप अपना ऑडियो या वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम enjoy more, play more and study more, but don't disturb your parents. Bye-bye.